अस्सलाम वालेकुम मेरे शेरों और उनकी बहनों, मेरा नाम है नबील और आप देख रहे हैं फ्री व्लॉग्स। तो आज हमारा व्लॉग नंबर वन है, स्टार्ट करते हैं। आज हम जो हैं वो जा रहे हैं फार्म पे विज़िट करने और दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है आज। तो जी गाड़ी आ गई है, अभी हम चलते हैं। ड्राइवर साहब बाहर खड़े हैं थोड़ा देर में और देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है। सही है, आपसे मिलते हैं फिर। फार्म पे हम पहुंच चुके हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आ गए हैं फार्म में, इंटर हो गए हैं और ये यहाँ से फार्म स्टार्ट हो रहा है हमारा। पहले चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने ग्रेडिंग की हुई है। जितने भी गाय या भैंसे होती हैं उनके एज वाइज उनको रखा जाता है। कुछ एज की वहाँ रखी जाती हैं, कुछ एज की यहाँ रखी जाती हैं। और इसमें भैया ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक अदद तीतर, और इसकी फीमेल भी है, वो अंदर बैठी हुई है पेटी में, ब्रीड पर है। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी एक जोड़ी तीतर है मेरे ख़्याल से। जी बिल्कुल, एक जोड़ी तीतर है। और यहाँ पर जो है ये है ग्रीन रिंगनेक, ये ग्रीन रिंगनेक का केज है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें है ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है, ये देखें जी, ये एक पेयर है ब्लू गोल्ड मकाऊ, माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर है। अभी इसने ब्रीड नहीं किया है, इंशाल्लाह ब्रीड कर देगा। ये भी बॉक्स लगा हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है। और इसमें भी जो है एक ये ब्लू गोल्ड का पेयर मौजूद है, दो ब्लू गोल्ड हैं जी यहाँ पर। चलें दूसरे सेक्शन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। हाँ तो भाई हम दूसरे सेक्शन में इंटर कर गए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये पावर हाउस है इस फार्म का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाय और भैंसे और उनको एज वाइज रखा जाता है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एज वाइज यहाँ पर कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो है एक मज़े की चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, जो मेरी फेवरेट है, जो जिसके लिए मैं आया हूँ, वो है जी ये हमारा शेरू। शेरू कह लें, कालू कह लें, जो कहना है कह लें। जी आप देख रहे हैं इसको, और ये बहुत शैतान है, मस्तियाँ भी बहुत करता है। करते हैं इसको
राइड करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सिंधी में इन्हें कूंज कहा जाता है, मुझे आप बताएं उर्दू में इनको क्या कहा जाता है। यहाँ पर हैं ये 5 से 6 दाने हैं टोटल। और अभी हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि टमाटर कैसे मतलब उगाया जाता है। जैसे ज़मीनों में टमाटर उगाया जाता है, तो टमाटर को सबसे पहले, ये ट्रे देख रहे हैं आप, ये इन ट्रेज में इसकी जो सीड्स हैं उनको डालकर और ऊपर जो है वो सॉइल और खाद मिक्स करके और इनके ऊपर डाली जाती है। और उसके बाद ये कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे यहाँ पर आम ज़ुबान में पनीरी कहा जाता है। और ये पनीरी जो है तैयार होने के बाद फिर इसको लगाया जाता है ज़मीनों में। तो इस वक्त ये पनीरी रेडी है, और जितने ट्रे आप खाली देख रहे हैं तो ये सारे ट्रे जो हैं ये वहाँ ज़मीन में लग चुके हैं। तो जब टमाटर वाली ज़मीन पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या रिपोर्ट है। ओके, ये वो भैंसें हैं जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी की है, अभी बच्चा दिया है, 1-2 दिन हुए हैं इनको। तो इन्हें ये मसाला खिलाया जाता है इनकी बेहतर तबीयत के लिए, इनको कुछ दवाई वगैरह मसाला बना के दिया जाता है। ये मूड में नहीं है खाने के, लेकिन ये खिलाएंगे सही इसको। ये गुड़ वगैरह और अजवाइन, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें मिला के ग्राइंड करके और इनको खिलाते हैं ताकि ये इनका पेट साफ हो जाए। बेकार जबा मसाला गुड़
जहां चोर अच्छा तो ताजे ताजे दूध की चाय बिना पानी के। हाँ तो भैया आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।